लेट अस कॉल द सीनियर ग्रुप फॉर देयर थिएटर। तो एक बार की बात थी, बहुत दूर ढोलकपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ का राजा बहुत मतलब जहाँ का राजा का नाम था विक्रमादित्य। वो बहुत होशियार था और बहुत अहंकारी था, उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार वो अपने सिपाहियों को लेकर ढोलकपुर के पास घने जंगलों में शिकार करने गया। Oh,
बदला में चुकाने जाऊं, मैं राजा से लड़ने जाऊं। मुझे तेरे साथ जाना है और तेरी मदद करनी है। ठीक है आजा, छोटे होकर कान में आ जा। कोयल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को राजा ने हड़प लिया है और अपने कब्जे में कर दिया है, मैं उनसे बदला लेने आया हूँ। हाँ, ये कोयल क्या राजा को हराई? मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मैं राजा से नहीं बात करूँ। ठीक है, हम राजा को बोल के आते हैं। अरे वो कोयल है, क्या ही कर लेगा, उसे मुर्गियों के पास छोड़ दो, वो उसे नोच खाएंगे। जी कोयल, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझको मार डालूंगी। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास मेरी दोस्त बिल्ली है।
कोयल मैं तुझको मार डालूंगी। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास मेरे दो शेर हैं। कर चुके हैं, आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। सुबह होते ही मैं यमराज को तेरी भेंट चढ़ाऊंगा। माफी मांगता हूँ, पत्नी को ले जा, मुझे माफ कर दे। तो क्यों था?
सिपाही सिपाही इसकी पत्नी को छोड़ दो, जान छूटी। कोयले को आजाद करके सब प्राणी फिर से छोटे होके कोयल के कान में बैठ गए और सब जंगल के तरफ लौटने लगे। जंगल को जाते वक्त सब बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास उनके कोयले थे। उसके बाद राजा का भी एक वादा था कि वो और कभी भी किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह हमारी कहानी की एंडिंग होती है।